हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी, तो मुझे आज हेयर वॉश करना था और कल रात में मैं ऑयल लगाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा सब काम करने से पहले मैं अपने हेयर पर ऑयलिंग कर लेती हूँ। अभी मेरा हेयर फॉल फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक्चुअली जब से हम इस घर पे आए हैं ना, तो यहाँ पे बोर का पानी है, तो शायद इस वजह से भी मेरे बालों पर सूट नहीं हो रहा है, या फिर विंटर में भी हेयर फॉल होता है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से चंपी करते हुए अपने बालों पे खूब सारा ऑयल लगा लिया। जब भी मैं हेयर पे ऑयलिंग करती हूँ, मैं उसी समय ही कॉम कर लेती हूँ, जिससे कि जितने बाल टूटने हैं, जितने बाल झड़ने हैं, वो उसी समय झड़ जाता है और टूट जाता है, जिसके कारण जब हम अपने बालों पे शैम्पू करते हैं तो बिल्कुल भी बाल टूटता नहीं है। उसके बाद लग गई मैं अपने काम पे, तो मैंने जाला निकाला। पूरे घर पे कोने कोने पे जाले हो गए थे, और जाले दिन में तो ज़्यादा दिखाई नहीं देते, बट रात में जब हम लाइट ऑन करते हैं तब दिखाई देते हैं। रात में तो जाले निकाल नहीं सकते, तो मैंने दिन में ही आज हर जगह से जाले निकाले हैं, कहीं पर का भी छोटा सा हिस्सा भी मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद लगाया मैंने पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन धुलने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लोर में पानी गिर ही जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन जल्दी जल्दी से वॉश करके रख देती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। पूरे बर्तन वॉश करने के बाद मैंने किचन का पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन किया। वैसे तो ये डेली रूटीन होता है, पर डेली रूटीन में भी डेली डेली ये सारे काम मैं ब्लॉग पे नहीं दिखाती हूँ। किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब बारी थी घर में पोछा लगाने की, तो मैंने किचन से ही पोछा लगाना स्टार्ट किया। काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो चुका था, तो सबसे पहले मैंने एक गैस में राइस रख दिया बनने के लिए। तो यहाँ पे बना रही थी मैं आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैंने जल्दी जल्दी से मटर छीले, आलू कट किया, टमाटर प्याज पूरे मसाले तैयार किए। मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ाई में ना बनाकर कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी और भी ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। इसलिए मैंने प्याज और मिर्ची को हाथ से कट ना करते हुए मैंने मिक्सी पे पीस लिया है। फिर मेरे हस्बैंड जी आ गए थे प्लम्बर को लेके। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि नल की कुछ प्रॉब्लम जा रही है, तो उसने बोला कि टाइल्स को तोड़ फोड़ करके चेक करना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला कि नहीं, कुछ और जुगाड़ करते हैं, तो उसने गीज़र का अलग से ही पाइप लगा के कनेक्शन दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज़।